समझ पीछे सब सरल है, बिनु समझ मुश्किल। ये मुश्किल क्या कहूँ, जब जावे तब। आप खूब भूल गया इनसे क्या अंधेर, समर समर अब हंसत है, नहीं भूलेंगे। जहाँ कल्पना जलपना, जहाँ कल्पना जलपना, तहाँ मानो दुख छाए। मिटे कल्पना जलपना, तब वस्तु तीन पाई। इच्छत हवे है इच्छा दुख मूल, जब इच्छा का नाश तब मिटे अनादि भूल। ऐसी कहां से मति भई, कहां से मति भई, आप है नारी। आपन को जब भूल गए, अवर कहां से राई। आप ए शोध से आप मिल जाए, आप मिलन नया बाप को, आप मिलन नए बाप को। जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। Today is November 2nd, 2020, Monday, and we are continuing Atmasiddhi class. So, Atmasiddhi class mein hum aaye hain, stanza number 7 par aaye hain, to hum aage badhte hain us gatha se ek second. Haan, to hum aage badhte hain, to let me bring the slide, wahan se chalu karenge. लास्ट टाइम हम यहाँ पर आए थे, ये स्लाइड पर आए थे, पात्रता की बात पर आए थे। तो श्रीमद जी ने पात्रता के बारे में क्या कहा है उनकी हम बात करने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो एक्चुअली संडे यस्टरडे वॉज आसोवद एकम, यानी कि अश्विन कृष्ण प्रतिपदा। उस दिन आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना हुई थी। श्रीमद जी नडियाद में थे,
और वहां पर शाम को घूमकर आए। एक महादेव का मंदिर है, पीछे एक छोटा सा रूम है, वहां पर बैठ गए। और जैसे यहाँ पर देखते हैं पीछे ये अंबालाल भाई फानस लेके खड़े हैं और श्रीमद जी आत्मसिद्धि शास्त्र लिखते हैं। यहाँ आत्मसिद्धि शास्त्र लिखने में पीछे जो पगड़ी वाले भाई है, ये भाई है जो उन्होंने कहा था कि श्रीमद जी, उसका नाम सौभाग भाई है, श्रीमद जी आपने 6 पद का पत्र लिखा है लास्ट ईयर, मगर गद्य का पत्र मुखपाठ करने में थोड़ी तकलीफ होती है, मेरी उम्र भी हो गई है, तो कोई पद्य में कुछ होता तो अच्छा रहता। तो उनके कहने से, देखो गुरु भी शिष्य का कहना मानकर गुरु जी ने आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की, 142 गाथा की रचना की, नॉन स्टॉप पेन चली और 142 गाथा करीबन 1.5 घंटे में लिखी गई। तो क्या श्रीमद जी ने 1.5 घंटे में लिख दी? हाँ, लिखना तो 1.5 घंटे में हुआ, मगर उसका गोलन तो 2500 साल से हो रहा था उनको। वे महावीर स्वामी के समोसम में श्रीमद जी अंत्यवासी थे, सम्यक दर्शन भी था, अंत्यवासी थे वहां पर, और वहां से उनका प्रोग्रेस चलता 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 यहां तक आया। और जब ऐसा निमित्त मिल गया सौभाग भाई जैसा, तो ये आत्मसिद्धि की रचना भी हो गई। ऐसे आत्मसिद्धि के 124 साल पूरे हुए हैं। कल हमने आत्मसिद्धि शास्त्र की पूजा भी करी थी, हमारे पास आत्मसिद्धि शास्त्र का विधान पूजा भी है। करीबन टाइम मिलेगा, कहीं पर मिलेगा तो हम करेंगे, वो भी करेंगे। तो ये श्रीमद जी ने हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तो ऐसी आत्मसिद्धि शास्त्र में हम 7वीं गाथा पर आए हैं, तो उसमें श्रीमद जी ने पात्रता की बात करते हैं। तो वैरायटीज डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट जगह पर उनके उद्गार डिफरेंट निकले हैं। क्षमा, निर्लोपता, सरलता, निर्मानता, ये भाव रूप दशा जो क्रोध लोभ माया मान का अभाव रूप दशा है, वो पात्रता के लिए जरूरी है। अब मेरे में कितने कषाय है क्रोध मन माया लोभ, रात को नींद में भी बोला तो बोल जाएंगे, मगर ये क्रोध मान माया लोभ तो मेरे आत्मा की विकार है, उसके सामने आत्मा के गुण कौन है? क्षमा, निर्लोपता, सरलता, निर्मानता, क्या मैं एक साथ में बोल सकूंगा क्रोध मान माया लोभ, इस तरह से फास्ट बोल सकूंगा? अपनी अपनी बात करना है, और अपनी बात के क्रोध के सामने क्षमा आएगा, लोभ के सामने निर्लोभता आएगा, मां के सामने, अरे ऐसा तुझे सोचना पड़ता है, तेरा अपने स्वरूप को तुझे सोचना पड़ता है। धिक्कार है हमको कि हम अपने स्वरूप की बात भी नहीं कर सकते हैं। तो यहां बोला कि क्षमा, निर्लोपता, सरलता, निर्मानता ऐसी भाव रूप दशा है, और क्रोध मान माया लोभ की अभाव रूप दशा है, तो तेरे पात्रता के लिए जरूरी है। संसार के प्रति उदासीनता, विषय भोग के प्रति अनासक्ति, देहादि ममत्व की मंदता, मानादि कषाय की मंदता, ये सब नकारात्मक रीत से यहां बताया गया है। संसार को क्या कहेंगे? मेरे में होते हुए मेरे राग, वो मेरा संसार है। आप अकेले भी क्यों नहीं रहते हैं, मगर आपके जो राग द्वेष है वो आपका संसार है। किसी के पास बहुत फैमिली है, बहुत बड़ा फैमिली है, मगर उनके राग द्वेष कम है। जैसे चलता है कुछ में, घर में कुछ दखल करने वाला नहीं हूं, तो इसी उदासीनता रखते हैं, तो उनका संसार
परिमित हो गया है। विषय भोग के प्रति अनाशक्ति, पांच इंद्रिय के विषयों के प्रति जो मेरा मेरी मेरी इच्छा चल रही है, मेरी वासना चल रही है, उसके प्रति अनासक्ति। आसक्ति मीन्स की यह उसके प्रति राग द्वेष होना, अनासक्ति वितरागता होना, वैराग्य होना, उसके प्रति जस कुछ आसक्ति नहीं रखना। देहादि की ममत्व, देहादि यानी कि देह और आदि, देह और देह से होते हुए सभी कार्यों में उसकी ममत्व की मंदता में करता हूं, तो वो हमको समझना पड़ेगा। तो इस तरह से हम जब देखते हैं तो हमारा कार्य होता रहेगा। मानादि कषाय की मंदता, मान आदि क्रोध मान माया लोक। मान क्यों लिखा यहाँ पर अकेले, क्योंकि श्रीमद जी ने एक जगह पर बहुत अच्छी तरह से कहा है कि मान न होता तो मोक्ष यहाँ पर है, क्योंकि मनुष्य गति में चार गति, चार कषाय में मान की प्रधानता है, देव गति में लोभ की प्रधानता है, तिर्यंज गति में माया की प्रधानता है, और नरक गति में क्रोध की प्रधानता है। इसलिए यहाँ मानादि कषाय लिखे, क्रोधादि कषाय नहीं लिखे, मानादि कषाय की मंदता बोलकर उन्होंने बताया कि हे मनुष्य, मैं तेरी बात कर रहा हूं, तू जाग, तेरे में सिद्धत्व होने की कैपेसिटी है। इंद्रलोक इंद्र भी, देव भी, जब भगवान की दीक्षा होने की, पालकी उठाने की बात आती है, तो देव मनुष्य को रिक्वेस्ट करते कि हमको दो घड़ी के लिए मनुष्य भाव दे दो, क्योंकि हमको भगवान की पालकी उठाना है, क्योंकि वहां संयम नहीं है, संयम मनुष्य गति में ही है। तो मनुष्य गति में से ही पंचम गुणस्थानक, षष्ठम गुणस्थानक, सप्तम गुणस्थानक और केवल ज्ञान और निर्वाण हो सकता है। देव गति में अकेले चतुर्थ गुणस्थानक से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। बाद में यहां पर उनके विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, सरलता, जितेंद्रियपना, ये तो एक सारे के सारे स्वाध्याय का विषय है। लास्ट टाइम किसी ने बोला था कि उसके पर देखना है, तो हम नेक्स्ट टाइम पर ये सब्जेक्ट ले लेंगे, विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, सरलता, जितेंद्रियपना और सम संवेग निर्वेद अनुकंपा, यानी कि समय सार की 34 गाथा में कहा है कि कषायनी उपशांता मात्र मोक्ष विलास, भवे खेद प्राणी दया त्या आत्मार्थ निवास। शम यानी कि उपशम यानी कि क्रोध कषाय, क्रोध मान माया लोभ कषाय की मंदता होना, संवेग यानी कि अभी मुझे मोक्ष की प्राप्ति का ही एक भावना है, निर्वेद यानी संसार के प्रति मेरा अभी अनाशक्ति हो गई है, मेरे राग द्वेष के प्रति अनाशक्ति हो गई है, और अनुकंपा एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव, भवी से अभवी जीव, चारों गति के जीव, मनुष्य गति के, देव गति के, तिर्यंज गति के, नारकी गति के, निगोद गति के, सभी जीवों पर अनुकंपा, अनुकंपा होना। वसुधैव कटम कुटुंबकम, ये सारे विश्व के सभी जीवों के प्रति मेरी मैत्री है, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, जो भावनाएं आती है इस तरह से यहाँ अनुकंपा, सभी जीवों के प्रति मेरी अनुकंपा, अपने सत्स्वरूप के प्रति श्रद्धा, इस तरह से जब जो होता है तब ये जीव को पात्रता होती है, ये जीव अभी अपने अपने कार्य में यानी कि सम्यक दर्शन के लिए लेने के लिए ये पात्र हो गया है, ये स्पंज जैसा हो गया है, स्पंज जैसा पानी चूस लेता है। जब जीव शुष्क ज्ञानी होता है, क्रिया जड़ होता है, जिसकी बात आगे आ गई है, तो वो पार्चमेंट पेपर जैसा है, काउंटर पर पानी पड़ा है, वो पार्चमेंट पेपर लगाएंगे कुछ एब्जॉर्ब नहीं होगा, मगर
जब स्पंज लगाया तो सभी पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसा ये जीव है, ये ज्ञान के लिए तैयार हो गया है, तो अभी उसकी पात्रता हो गई है, तो जो कुछ ज्ञान आता है वो एक्सेप्ट करता है और अपनी परिणति में भी लगा देता है। अभी ये पाड़ा का पिक्चर है, भैंसा का पिक्चर है, और वो घास खाता है, तो अज्ञान रूपी भैंसा शुभ परिणाम रूपी द्रव्य चारित्र रूप घास चारा खा गया है, भव घटा नहीं और मान बढ़ गया है। देखो सत्पुरुषों को कितनी हमारे प्रति करुणा है कि तू शुभ परिणाम में, शुभ परिणाम के अंदर तू अपना कृतकृत्य पना मान जाता है। बस हमने ये देह की क्रिया कर ली, स्वाध्याय भक्ति कर लिया, तप व्रत तप जप भक्ति स्वाध्याय ये सब कुछ कर दिया, बस हमारा तो यही जीवन है। अरे ये तो तेरा स्टेपिंग स्टोन है आगे बढ़ने के लिए, यहां पर तू संतुष्ट हो गया क्योंकि तू अज्ञानी है। तू अज्ञानी है तो यहां तुझे अज्ञानी को भैंसा कहा है कि तू शुभ परिणाम करता है, तो ऐसे ऐसे द्रव्य चारित्र से, द्रव्य जो शरीर की क्रिया से तू संतुष्ट हो गया है तो तेरा भाव घटा नहीं है। हाँ तुझे कोई पुण्य मिला है तो स्वर्ग की गति मिलेगी। कितने टाइम पर, सबसे ज्यादा 33 सागर पंक्ति तक मिलती है, वो भी सम्यक दृष्टि जीव जब छठे सातवें गुण स्थानक पर है और भावलिंगी मुनिराज है जो अभी श्रेणी मान नहीं सके है और जीवन का अंत आ गया, वो जीव सर्वार्थ सिद्धि के देव होंगे। ऐसे तैसे पुण्य से तो तू लोअर क्वालिटी का अब देव भी बन सकता है, यानी कि तू चार गति में घूमता रहेगा और तेरा मान बढ़ता जाएगा। मैं कितनी तपस्या कर सकता हूँ, कितना ये कर सकता हूँ, कितना दान दे सकता हूँ। अरे तेरे पास है तो दे। आज पद्मनंदी पंचविंशति में कहा है कि 6-25% तेरी आमदनी को तुझे दान में देना चाहिए। चलो हमने कितना दिया, ये विधि वाली आ रही है, देख लेना हमने कितना दिया है, कितने प्रतिशत हमने अपने 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 आमदनी का दान में दिया है, देख लेना। तो ये आचार्य भगवान इतनी कड़क भाषा करके हमको बताते हैं कि तू आगे बढ़ने के लिए जन्मा है, तू तेरा जन्म हुआ है, सम्नी पंचेंद्रिय मनुष्य पना हुआ है, तेरे ज्ञान का क्षयक्षम हुआ है, तुझे कषाय से कषाय की मंदता की और तो आगे बढ़ रहा है, आचार्य सदगुरु की तुझे वाणी मिल रही है, अभी तुझे आगे बढ़ के तत्व निर्णय करना है, यथार्थ तत्व निर्णय करना है। यथार्थ तत्व निर्णय करके तुझे अपनी ओर जाने का प्रयत्न करना है जो अभी तक मैंने नहीं किया है। नहीं किया उसका अर्थ ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। जब मरीचि महावीर हो सकता है तो हम भी सिद्ध क्यों नहीं होंगे। मरीचि भी ऋषभदेव भगवान अपने दादा है, उनके समोसरण के बाहर बैठ के बोलता है यहां पे धर्म है वहां पे धर्म है, यहां बैठ जाओ। भगवान को केवल भगवान की अवहेलना करना ये बड़ा पाप है। ऐसा जीव भी महावीर हो सकता है, हम हो सकेंगे, चिंता मत करना। सदगुरुओं ने सब कुछ हमको बताया है। अहो अहो सी सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आपा अमर पर प्रभु करियो अहो अहो उपकार, सो प्रभु चरण कने धरू
प्रभु आप मेरे सदगुरु, आपके चरण में क्या धरूं, आपके पास क्या नहीं है। आत्मा थी सौहीन ते तो प्रभु ये आप यो वर्तो चरणा दीन। हे प्रभु आपने मुझे सच्चा राह दिखाया है, सम्यक दर्शन का राह दिखाया है, उसके वो राह पर चल के मुझे सम्यक दर्शन हुआ है, वो सम्यक दर्शन मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं। देखो ये शिष्य की कितनी उच्च भावना भी है, ये शिष्य एकलव्य जैसा है। जब द्रोण गुरु ने उसका अंगूठा मांग लिया तो बिना संकोच उसने दे दिया, मालूम था कि वो अंगूठे से ही उसके बाण विद्या है, मगर गुरु ने बोला है तो ये हमारे गुरु जी ने बोला है कि तू बस सम्यक दर्शन ले ले, वो ही हमारी एक भावना है। तो हम क्यों ऐसा नहीं करेंगे? सदगुरु को सदगुरु तब कहेंगे जब शिष्य सुशिष्य होगा। जब मैं कुशिष्य रहूंगा और अरे क्या थे मेरे सदगुरु? सदगुरु ने बताया वो पंथ पर मैं चलता नहीं हूं तो मुझे सदगुरु बोलने का हक भी नहीं है। ऐसे आचार्यों ने कड़क भाषा में हमको आचार्य भगवान साम दाम भेद दंड सभी रीत से हमको बताया कि हमको क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। आत्मधर्म के नाम पर शरीर की क्रिया से गलत मान्यता का पोषण करता है जीव, शुभ कर्म का बंधन होता है। हाँ, देखो कोई प्रक्रिया कोई क्रिया करने का ना नहीं कहा है, मगर तेरी मान्यता क्या है वो जरूरी है। शरीर की क्रिया से आत्मा का लाभ होता है, ऐसी मान्यता का खंडन की बात है। कोई जगह ऐसा नहीं कह कि ऐसी प्रवृत्ति तू मत कर, सब जो तुझे अच्छा लगे वो प्रवृत्ति कर। कोई भी सदगुरु तुझे पाप करने का तो उपदेश नहीं देंगे, तो तुझे आत्मा की ओर जाने का उपदेश देंगे। तो तू जिस कोई भी तरह से अपने आत्मा में जा। देखो यहां पर हम पानी डालते हैं, पानी कहां जाएगा? जहां डाल रगेगा, जहां से ढलान है वो पानी अपना रास्ता ढूंढ लेगा, तू भी अपना रास्ता ढूंढ लेगा। तुझे क्रिया से अपनी अब शांति होती है, स्वाध्याय से शांति होती है, योग से शांति होती है, कुछ भी कर मगर आत्मा की प्रति आगे बढ़ने का प्रयत्न कर। मगर जब तू आत्मा के नाम पर शरीर की क्रिया से गलत मान्यता का पोषण करता है तो तुझे शुभ कर्म का बंधन होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक समय पर तुझे संसारी जीव को कर्म बंधन होता है। तू यानी कि मिथ्या दृष्टि जीव, चतुर्थ गुण स्थान के सम्यक दृष्टि जी, पंचम गुण स्थान वाले श्रावक, छठे सातवें गुण स्थान वाले भावलिंग मुनिराज और 13वें गुण स्थान वाले केवली भगवत सहयोगी केवली को भी एक 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 समय पर कर्म का बंधन है। तो तूने तुझे शुभ का बंधन हुआ बराबर, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। तो तुझे वो शुभ कर्म के बदले तुझे देव गति भी मिली। बाद में क्या, चारों गति में घूमना कम नहीं हुआ। देव गति में कोई धर्म नहीं होता है, संयम नहीं होता है, संयम का पालन नहीं होता है। तो वो देव गति का आयुष पूर्ण करके तू एकेंद्री में जाएगा। तो ये तुझे चारों गति में घूमना ही है, अनादिकाल से घूमता आया है, अभी भी घूम रहा है और सच्चा कार्य नहीं करेगा भविष्य में घूमता रहेगा। तो क्या मैं इसलिए घूमने के लिए पैदा हुआ हूं? नहीं।
जिस जीव को अकाशाई भाव की रुचि है, अकाशाई यानी कि जो कषाय रहित जो भाव है आत्मा में, कषाय रहित भाव यानी कि स्वभाव भाव है, शुद्ध भाव है, उसकी जिसको रुचि हुई है, रुचि अभी रुचि की बात है, तुझे रुचि हुई है, हाँ ये अभी लेना चाहिए, ये अच्छा मुझे लगता है, उसकी तरफ में जाने का प्रयत्न कर रहा हूं, तो उस जीव को शुभ भाव का विवेक होता है। तुझे शुभ भाव होता क्योंकि तुझे जाना कहां पर है, टॉर्च पर जाना है तो ये ही रास्ता है, तो ये रास्ते में शुभ भाव रूपी बंधन शुभ भाव आएगा, मगर उसके प्रति तेरी रुचि नहीं है, तेरी रुचि तो अकषाय भाव की प्रति रुचि है, तू वहां पर ध्यान देता है। तेरा ध्येय जैसे अर्जुन ने देखा, जब बाण हाथ में ले लिया, जब बाण हाथ में ले लिया तो अर्जुन को क्या दिखाई देता है, ये जो बनावटी पक्षी खिलौना, पक्षी का खिलौना रखा था, पक्षी के खिलौने की आंख उसे दिखाई देती है, दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता है। ऐसे अकषायी भाव की तरफ दृष्टि करता है जीव, तब साथ में शुभ भाव हो जाएगा। जब तू अनाज बोता है, तुझे अनाज की खेती करना है, तो साथ में वो घास भी उगे, घास भी आएगा, मगर घास के प्रति तेरा इंपॉर्टेंस नहीं है, तेरा इंपॉर्टेंस अनाज कितना हुआ इसकी पर इंपॉर्टेंट है, अकषाय भाव पर मेरी कितनी वृद्धि हुई वो जरूरी है। ये शुभ होता है, उसके प्रति तेरी उपादेपना नहीं है। अभी एक मिरर का एग्जाम्पल है, एक लेडी है और ये मिरर के पीछे है, मिरर में फॉग लगा है, तो क्या उसका मुंह दिखाई देता है, चेहरा दिखाई देता है? जब दर्पण धुंधला हो जाता है, तब अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। एक एग्जाम्पल दिया गया है। इस तरह से मलिन दर्पण फॉगी मिरर में तुझे तेरा अपना चेहरा बराबर दिखाई नहीं देता है स्वच्छता से, क्योंकि दर्पण मलिन है। तो क्या होता है, मलिन दर्पण में मुख नहीं दिखाई देता है, ये एग्जाम्पल चल रहा है। मनुष्य के चित्त में मलिनता होती है तो देखो आचार्य भगवान भी कहां से एग्जाम्पल लाते हैं, हमको बोलते हैं कि तेरे में मलिनता रूपी जो मिरर है, मलिनता रूपी जो मिरर है, तो उसमें तेरा मुंह नहीं दिखाई देता है, चेहरा नहीं दिखाई देता। इस तरह से मनुष्य के चित्त में जो मलिनता होती है तो अंतरात्मा की पवित्रता दिखाई नहीं देती है, तो तेरे चित्त की मलिनता को दूर करना पड़ेगा। ये मलिनता को दूर तू करेगा तो आत्मा की पवित्रता तुझे दिखाई देगी। तेरा आत्मा त्रिकाली शुद्ध द्रव्य है, अनादि से है, जैसे सिद्ध भगवान का शुद्ध द्रव्य है, ऐसा ही तेरा शुद्ध द्रव्य है। अरे तेरा अकेला नहीं, निगोद के जीव का भी आत्म द्रव्य पवित्र है। अरे निगोद अकेला नहीं पर अभवी जीव का भी द्रव्य पवित्र है। क्यों नहीं दिखा देता है, क्योंकि मेरे में मलिनता हुई है, ये मलिनता को मुझे दूर करना पड़ेगा। मैं जब मलिनता को दूर करूंगा तो अपने हृदय में, अपने आत्मा में मुझे अपना शुद्ध स्वरूप दिखाई देगा। जीव को संसार का प्रेम है वो उसकी मलिनता है, संसार यानी कि राग द्वेष के प्रति प्रेम है। कौन कल जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन, अरे तेरा तुझे क्या फर्क पड़ने वाला है,
तू चिल्ला चिल्ला कर मर जाएगा, तेरा क्या होने वाला है? जो जीतने वाला जीतेगा, हारने वाला हारेगा, तुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? तत्व की रुचि तुझे नहीं हुई है अभी, संसार का प्रेम है, तत्व की रुचि नहीं हुई है, ज्ञानानंद स्वरूप की पहचान नहीं है, अज्ञान भाव से पर को अपना माना है। तो ये कितनी अच्छी तरह से एग्जाम्पल देके आचार्य भगवान हमको बताते हैं, श्रीमद जी हमको बताते हैं कि तेरी मलिनता से तू दुखी है, पर ने कुछ नहीं किया है, पर ने तेरे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया है, तू तेरे अपने राग द्वेष से दुखी है, तुझे संसार का प्रेम है इसलिए तुझे तत्व की रुचि नहीं हुई है, राग द्वेष तेरे इंटेंस हो गए हैं, इंटेंस राग द्वेष है तो उसमें तत्व की रुचि नहीं आएगी। जब तुझे क्रोध मान माया लोभ की प्रवृत्ति होती, अरे कल की बात करो, चलो शाम को 6-7 बजे के बाद में आप टीवी के पास बैठ गए होंगे और तब हमने बताया चलो भाई आज स्वाध्याय है, अरे क्या तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्यों? तेरा राग द्वेष बढ़ गया है, तू स्वाध्याय के प्रति ध्यान नहीं दे सकेगा। इसलिए तो हमारे यहां ये सुतक की प्रथा है। सुतक यानी कि जब किसी का जन्म होता है तभी भी सुतक होता है, क्योंकि तू राग से भर, अरे मेरे बेटे के घर पर बेटे का जन्म हुआ है, तू इतना राग हो गया है कि तू आध्यात्मिक आध्यात्म में रस नहीं ले सकेगा, द्वेष है, क्रोध है, तो भी तू तत्व की रुचि तत्व पढ़ नहीं सकेगा। तो इस तरह से संसार का प्रेम जितना बड़ा है इतनी तत्व की रुचि घटती जाती है और इससे तुझे ज्ञानानंद स्वरूप की पहचान नहीं हुई है, अज्ञान भाव से पर को अपना माना है, पर के प्रति एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व किया है, ये मेरा अनादि का बिजनेस चल रहा है और वो ही सच्चा है ऐसा मैं मानता हूं। अभ्यंतर त्याग के बिना बाह्य त्याग मुक्ति साधन में विफल है, यानी कि बाह्य त्याग तूने कर दिया है, मैंने जमीकन का त्याग कर दिया है, मैंने मंदिर में जाने का निर्णय कर दिया है, मैंने चौव्यार का निर्णय कर, ये बाह्य की प्रवृत्ति हुई है, अच्छी बात है, खराब वो बुरा बात है, मगर उसके साथ अभ्यंतर त्याग भी होना चाहिए। जब देखो जब 10 लक्षण महापर्व के अंदर नौमा दिन आता है, क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम त्याग आकिंचन्य ब्रह्मचर्य, संयम त्याग आकिंचन्य धर्म आता है, नौमा धर्म आता है, तो वो नौमे धर्म में बाह्य त्याग और अंतरंग त्याग दोनों की बात आती है। बाह्य त्याग में तेरे पास जो पैसा है, कपड़े है, सोना है, चांदी है, 2 पग वाले नौकर है, 4 पग वाले पशु तेरे है, खेत है, ये सब तेरे बाह्य है, बाह्य त्याग की बात है। अभ्यंतर त्याग में ये बाह्य त्याग 10 प्रकार का होता है और अभ्यंतर त्याग 14 प्रकार का होता है। कौन कौन से होएगा? मिथ्यात्व, बाद में क्रोध मान माया लोभ और 9 कषाय, 9 कषाय, 4 कषाय और 1 तेरा मिथ्यात्व, 14 हो जाएगा। तो ये 14 परिग्रह का, अंतरंग परिग्रह का तुझे त्याग करने का है। अकेले बाह्य त्याग से कुछ नहीं होगा,
देखो पशु भी नग्न दिगंबर है, तो क्या पशु का मोक्ष हो जाएगा? जब विंटर में जब विंटर आता है तब स्क्विरल और स्नेक हाइबरनेशन में जाते हैं, 6 महीने तक अन्न पानी नहीं लेते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म एकदम कम हो जाता है और 6 महीने के बाद में निकलते हैं। तो 6 महीने का उपवास, निर्जल उपवास करके निकले ना, तो क्या उन्होंने अभ्यंतर त्याग हो गया उनका? तो बाह्य त्याग के साथ अंतरंग त्याग जरूरी है, तभी ही साधना में अंतर त्याग के बिना बाह्य त्याग मुक्ति साधना में विफल है। भावना की विशुद्धि अर्थ बाह्य परित्याग का त्याग करना है। तेरे भाव की विशुद्धि करना है तो बाह्य परित्याग होगा, बाह्य परिग्रह का त्याग होगा, मगर इसके साथ मेरी भावना की शुद्धि हुई कि नहीं, मेरा अभ्यंतर त्याग हुआ कि नहीं, ये सब ध्यान में रखना है। मेरा मिथ्यात्व कम हुआ, मिथ्यात्व नहीं कि शरीर के प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व कम हुआ। अरे मैं एक उपवास करता हूं तो शाम से दोपहर से मेरा उपवास के टाइम पर दोपहर से मैं सोचता हूं कल पारणा में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तो मूंग घर में है कि नहीं, नहीं है तो, और हो गए तो, ये सब तो खाने के भी सोच रहा है सारा दिन। तो तूने क्या बाह्य का परिग्रह का त्याग क्या किया तूने? सारा दिन तू खाने की बात सोच रहा है, किंतु जो अभ्यंतर परिग्रह रूप रागादि से युक्त है उसका बाह्य परिग्रह त्याग निष्फल है। अभ्यंतर परिग्रह रूप जो 14 की बात यहां पर आई, एक मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और 9 नौकोशाएं, हास्य, रति, अरिति, भय, जुगुप्सा, शोक, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, ऐसे 9 नौकशाय, 4 कषाय और 1 मिथ्यात्व। इसमें कुछ मंदता हुई तो, जब मंदता नहीं होती है तो बाह्य त्याग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। तेरा ध्येय कहां पर है? मैं महावीर को देखता हूं, महावीर ने खाया पिया नहीं है और धूप में और सर्दी में और बरसात में नग्नता से चट्टान पर खड़े खड़े ताप कर रहे हैं, तो मैं बाह्य की परिस्थिति देखकर मैं भी ऐसा करूंगा, मगर उनको अंतरंग में आत्मा की अनुभूति का प्रचुर स्वसंवेदन हो रहा है। वो अपने निजानंद में है, अपने ज्ञानानंद में मस्त हो गए हैं। वो मैं आंतरिक परिस्थिति नहीं देखता हूं, मैं बाह्य की परिस्थिति देखकर बात करता हूं। ये कुनकुन आचार्य देव अष्टपाहुल भाव पाहुल स्टांजा 3 में ये सब आया है, ये 3 पॉइंट आए हैं। वो आगे बढ़ते हैं। यदि शारीरिक कष्ट से ही मुक्ति हो तो फिर से हमको बताते हैं कि शारीरिक कष्ट लिया तो ही मुक्ति होती तो तिर्यंच मात्र अच्छे हैं। शारीरिक कष्ट वहन करते हैं, भार वहन करते हैं, खाना मिला नहीं मिला बस मालिक ने चाबुक लगाया तो काम करने लगे हैं, भार वहन करते हैं, धूप में घूमते हैं, तीव्र प्रहार सहन करते हैं, तो क्या उनकी मुक्ति हो जाएगी? ये बैल की मुक्ति हो जाएगी? तो शारीरिक कष्ट से मुक्ति ने शारीरिक के जब तू अंतरंग में मस्त हो जाता है तब बाहर का खाना पीने का तुझे भान नहीं रहता है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी
अपने शास्त्र लिखने में इतने मस्त रहते थे, 24 घंटे वो ही धुन। और जब शास्त्र कंप्लीट हो गया तब खाने बैठे हैं तो मां को बताया कि मां ये खाने में नमक नहीं है, नमक कम है। बेटा ये हर रोज मैं तुझे कम नमक का ही खाना देती थी मगर तुझे कुछ बान नहीं होता था क्योंकि तू अपने में अंतरंग में मस्त हुआ था। आज तू अंतरंग में से थोड़ा सा बाहर आया है तो तुझे मालूम पड़ा कि ये खाने में नमक कम है जो कई दिनों से मैं ऐसा करते आई हूं। इस तरह जब तू अंदर में मस्त होता है तो बाहर में खाना पीना तू भूल जाता है, तुझे खाने की याद नहीं आती है। अरे खाना नहीं है उसका नाम ही धर्म है, तो खाना नहीं उसका नाम ही धर्म है तो सर्वात सिद्धि के देव का आयुष्य 33 सागरोपम का है और 33,000 साल के बाद में एक भूख जैसा लगेगा तो गले में से अमृत जरेगा, भूख शांत हो जाएगी 33 सागरोपम तक। तो क्या उनका मोक्ष हो गया? अरे उनमें संयम ही नहीं है, चतुर्थ गुण स्थानक से आगे नहीं बढ़ते हैं। कुनकुन आचार्य देव 6-7 गुण स्थानक वाले झूलते मुनिराज सम्यक दर्शन लिया कि मुक्ति लिया कि लेंगे केवल ज्ञान आ गया। इतना नजदीक केवल ज्ञान है उनके पास, 2 घड़ी का डिस्टेंस है केवल ज्ञान के लिए। मगर आयु कम हुआ और पुरुषार्थ की थोड़ी सी कचास रह गई तो शरीर छूटने के बाद में उनको देव गति में गए। यहां पर 6-7 गुण स्थानक वाले झूलते मुनिराज थे, वहां गए चतुर्थ गुण स्थानक में संयम के बिना, तो क्या वो हैप्पी होएंगे? तो शारीरिक कष्ट की बात से मुक्ति होना, ये मान्यता तुझे बदलनी पड़ेगी। तू कर, करने में कोई, जब तेरी मान्यता बदल जाएगी तो तेरे से ऑटोमेटिक ये सब कुछ हो जाएगा, उसकी तुझे इंपॉर्टेंस भी नहीं रहेगी। हमारे एक फ्रेंड थे वो ज्योत्सनाबेन के भाई, ये था ये सान फ्रांसिस्को में थे, उन्होंने बहुत से वर्ष तक किए। एक दफा हम एक कोई मैरिज में हम साथ में हो गए तो उनको उस दिन खाने का दिन था तो खाते थे तो कोई आया बोला कि अरे आपको मैंने कभी खाते हुए देखा ही नहीं है। तो किसी ने बोला कि क्यों वर्षितम उनका चल, कितना वर्ष है? बोला मालूम ही नहीं है कितना हुआ, होता ही रहता है। इस तरह से वर्षितम करते मगर उसको इंपॉर्टेंस नहीं है कि मैंने वर्षितम किया है। यदि त्याग भय और लोभ प्रेरित होता है तो त्याग असार है। तूने त्याग किया, भय से किया, मैं जमीकन खाऊंगा तो नरक में जाऊंगा तो इसलिए मैंने जमीकन का त्याग कर दिया। लोभ से प्रेरित, मैं इतने उपवास करूंगा, इतना समय करूंगा, इतने प्रतिक्रमण करूंगा तो मुझे देव गति मिलेगी, यानी कि तू उसको अर्थ ध्यान कहते हैं, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, वेदना और नियाणु, पर भव की इच्छा करके तू कुछ भी करेगा यहां पर तो उसको नियाणु कहा है, उसको अर्थ ध्यान कहा है, वो त्याग असार हो जाता है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है।
शुरू शुरू में होगा तेरे पास, मगर जब तू करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तू जमेकन खाता है कि नहीं खाता है, किसी को क्या असर पड़ने वाला है? तेरे में जो निर्मलता उसके साथ होती है, तो तू तेरा कार्य तू अच्छी अच्छे मार्ग पर चालू है। मगर जो उसकी प्रधानता तुझे हो गई, तू चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा है, या मैंने जमीकन छोड़ दिया, जमीकन तू क्या छोड़ता है? तुझे ग्रहण क्यों किया, क्या ग्रहण किया था कि तू छोड़ता है? आत्मा में कोई राग वेस्पृति रूपी कोई ग्रहण होता नहीं है, तो तू छोड़ेगा क्या? सांसारिक दुख दूर करने की वृत्ति से उद्भवित किया तात्विक धर्म रूप नहीं है। मेरे संसार के दुख दूर हो जाएंगे। हमारा एक रिलेटिव है बंबई में, एवरी ट्यूसडे नंगे पांव, कौन सा मंदिर, वो विश्व वो दादर में मंदिर है गणेश का, वहां पर चलते जाना, नंगे पांव देर से जाना, क्योंकि मेरे संसार के दुख सब दूर हो जाएंगे। अरे क्या भगवान कोई कोई उसको काम धंधा नहीं है कि तेरा दुख ही दूर करने के लिए बैठा है वो? तू अपना कार्य कर, भगवान भगवान का कार्य करेगा, इतना समझ तू। उसमें अव्यक्त रूप से आर्त्र ध्यान पड़ा है, ये सब में आर्त्र ध्यान पड़ा है, आर्त्र ध्यान पड़ा है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, वेदना और नियाणु, ये चार रीत से आर्त्र ध्यान होता है। आगामी भव में भोगों की वांछा, ये निदान जन्य आर्त्र ध्यान है। ये निदान की बात आई गई, मैं आगामी भव की भोगों की वांछा, अरे मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो बहुत अच्छा रहेगा, वहां अच्छा रहेगा, खाने पीने का कोई तकलीफ नहीं रहती है। अरे सर्वार्थ सिद्धि में गए थे 33 सागरों पम, तो अरे सर्वार्थ सिद्धि में जाने के लिए तुझे छठे सातवें गुण स्थानक वाले मुनिराज होना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ऐसा तेरा कार्य नहीं होने वाला है, तो ये सब तुझे समझना पड़ेगा। यह लौकिक भौतिक लाभ और पारलौकिक ऐश्वर्य आदि तृष्णा का चिन्ह है। ये करूं तब मुझे इस जन्म में अच्छा हो रहेगा, पर जन्म नेक्स्ट जन्म में भी मेरे अच्छा, तो इस तरह से कि जो तू इच्छा करता है वो तेरा लोभ कषाय बताता है, तृष्णा का चिन्ह है। तो ये क्रोध मान माया लोभ में लोभ का चिन्ह है। तृष्णा के बीच में से उत्पन्न प्रवृत्ति का फल भी तृष्णा ही है। जब तुझे तृष्णा होती है, मुझे ये चाहिए, ये वस्तु चाहिए, मुझे ये वस्तु लेने के लिए मैं अभी मायाचार करता हूं, किसी न किसी रूप से मैं ये वस्तु लाता हूं, और जब वस्तु लाने में मैं सफल होता हूं तो मुझे मान कषाय होता है, और जब वो वस्तु लाने में मैं असफल रहा तो क्रोध होता है। तो तृष्णा ही मेरे सर्व कषाय का मूल है, लोभ पाप का मूल बखाना। तो तुझे तृष्णा को कम करना पड़ेगा। मन की स्थिरता या विशुद्धि के बिना लोक भय और लोक संज्ञा से चारित्र को मुनि नहीं कहते हैं। तेरी मन की स्थिरता नहीं है, तेरी मन की विशुद्धि नहीं है, लोक भय और लोक संज्ञा से मुनि पर ले लिया है, तो उस चारित्र को चारित्र नहीं कहते हैं। जब अंतरंग में शुद्धि नहीं है, जब श्रीमद जी ने नौमी गाथा में अपूर्व अवसर की नौमी गाथा में
नग्न भाव मुंड भाव सह स्नानता अदंत दोवन आदि परम प्रसिद्ध छे केश रोम नख के अंगे श्रृंगार नहीं। इस तरह से बाह्य की डिस्क्रिप्शन सब दे दी मुनिराज की, मगर लास्ट लाइन में बोला द्रव्य भाव संयममय निर्ग्रंथ सिद्ध, जो द्रव्य से भी निर्ग्रंथता हो गई है मगर भाव में भी निर्ग्रंथता हुई है, ऐसे भाव लिंगी मुनिराज सच्चे मुनिराज है। तूने लोक भय से लोक शंगना से कपड़े निकाल दिए, साधु हो गया, मन की विशुद्धता नहीं है, स्थिरता नहीं है, शास्त्र क्या है मालूम नहीं है, तो तू तेरा कुछ भला होने वाला नहीं है। इस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि तू अपना स्वाध्याय कर, सच्चा स्वरूप क्या है वो तो जान ले, हूँ कौन छू क्या थी थयो सु स्वरूप छे मा रू खरु कौना संबंधे वर्गणा राखु के परिहरु, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, ये सब मुझे समझना पड़ेगा, मेरे अपने पुरुषार्थ से मुझे समझना पड़ेगा। जब तेरा पुरुषार्थ के लिए तो तैयार हो गया है तो ऐसे तुझे देव शास्त्र गुरु का निमित्त जरूर मिलेगा, जब तू तैयार हो गया है तो क्या हमको त्याग नहीं करना। ये सब इतनी बात करने के बाद में शिष्य का प्रश्न कर, तो मुझे त्याग नहीं करना है, त्याग नहीं करूं तो क्या मैं पाप की प्रवृत्ति करूं, त्याग नहीं करना ऐसा तो ऐसा त्याग नहीं करना है ऐसा नहीं कहा है कहीं पर कोई भी जगह पर, मगर त्याग जो बाह्य त्याग है उससे मेरा भला होता है ऐसी मान्यता ये तेरी भूल है, ऐसा आचार्य भगवान हमको यहाँ पर कहते हैं। त्याग का फल मोक्ष, अत्याग का संसार। अरे अभी तक तो तब बोलते कि त्याग, तू बाह्य त्याग करेगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं। और यहाँ पर कह त्याग का फल मोक्ष और त्याग का संसार, मीन्स जो तू कुछ छोड़ेगा ही नहीं तो तेरा संसार चालू रहेगा, मगर जो त्याग यानी कि वैराग्य के साथ त्याग जो होता है, जब त्याग हो गया, चलो आज मैंने तय किया जमीकंद नहीं खाना है, कोई मुनिराज आए थे, ज्ञानी पुरुष आए थे गांव में, प्रवचन दिया, बहुत अच्छा लगा और मैं जोश में आ गया, बोल दिया चलो आज से जमीकंद का त्याग। वो तो ज्ञानी पुरुष कल तो चल गए, अभी हरोज का क्या प्रॉब्लम मेरा, अरे मैंने क्या कर दिया है, तो त्याग की बात कर दी, अभी क्या करूं मैं। इस तरह से तुझे त्याग करने के बाद में चिंता होती है तो वो उससे मोक्ष नहीं आता, मगर त्याग कर दिया धीरे धीरे वो जमीकन का माइंड में से भी निकल जाएगा, कभी मैंने खाया था ऐसा ख्याल भी नहीं रहेगा, और तेरी आंतरिक शुद्धि आगे बढ़ती जाएगी, और उससे आगे बढ़ती जाते आगे आगे बढ़ते बढ़ने से तेरे में यथा तत्व निर्णय होगा। तत्व निर्णय होने के बाद में अब तुझे विकल्प का अंत आएगा, निर्विकल्प दशा होगी, सम्यक दर्शन होगा, मोक्ष होगा, यानी कि इस तरह से त्याग तेरे लिए जरूरी है, मगर तू त्याग कुछ करता ही नहीं है, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, कुछ त्याग तेरे में नजर नहीं आता है, तो तेरा अनंत संसार चालू रहेगा, ऐसा यहाँ पर कहा है। जिन्होंने कभी भी पर वस्तु का ग्रहण नहीं किया तो त्याग किसका, फिर से एक ही पॉइंट पर श्रीमद जी ने यहाँ पर हिट किया है, इतना हिट किया है कि भाई तू वस्तु का त्याग कर अच्छी बात है, मगर सच में तू देख कि तूने कुछ ग्रहण किया था पहले कि जिसको तू त्याग करता है। मैं आत्मा, मेरे में मैं विज्ञान घन हूं। नेक्स्ट स्लाइड पर आता है आई थिंक, लेट्स सी, नहीं यहां पर नहीं दिया, ओके। मैं विज्ञान घन हूं,
आत्मा में असंख्यात प्रदेश में अनंत गुण रहते हैं, असंख्यात प्रदेश और अनंत 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 गुण, एक्सट्रीम ओवरक्राउडिंग। बंबई की सबर्बन ट्रेन में गए ना आप, मालूम पड़ जाएगा आपको कि कंजेशन क्या होता है। तो एक्सट्रीम कंजेशन है आत्मा में, असंख्यात प्रदेश में अनंत 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 गुण है। इसमें बाहर की वस्तु या राग द्वेष क्रोध मान यो उसको एंटर ही नहीं हो सकता है। जो एंटर नहीं हो सकता तो मैं उसका छोड़ू कैसे, मैंने ग्रहण ही नहीं किया तो मैं छोड़ू कैसे। इस तरह से आध्यात्मिक को ध्यान में रखते हुए, मेरे सच्चे स्वरूप को ख्याल में रखते हुए, जब मैं ये राग द्वेष रूपी मेरी वर्तन होता है वो मेरा प्रॉब्लम है। पर की तरफ मेरी मान्यता है, पर में से सुख मिलता है ऐसी मेरी मान्यता है, इसलिए मैं राग द्वेष करता हूं। मगर राग द्वेष करना मेरा स्वभाव नहीं है। गंभीरता से सोचना है, त्याग पर वस्तु का या तो त्याग मिथ्यात्व का, किसका तो त्याग करेगा पर वस्तु का त्याग। चलो आज से 8 दिन तक मैं ये फोन को टच नहीं करने वाला हूं, क्या ये तेरा त्याग हो गया? अरे ये तो तू बाहर गया और ये जो फोन भूल गया था तो 8 दिन तक तेरे पास फोन नहीं रहा था। पर वस्तु का त्याग, तो पर वस्तु को मैंने ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग कैसे? मगर मिथ्यात्व जो मेरी रॉन्ग मान्यता है, मेरी मिथ्या मान्यता, शरीर मेरा शरीर मेरा शरीर मेरा शरीर मेरा जो अनादि से चलता आया है, उसको मिथ्यात्व को कम करने का है। मेरा अनादि से शरीर के प्रति राग रहा है, एकत्व रहा है, ममत्व रहा है, कर्तृत्व रहा है, भोक्तृत्व रहा है, तो ये सब मुझे कम करने के बाद में छोड़ना है। ये मिथ्यात्व को त्याग करना है। कैसे मिथ्यात्व को त्याग करूं? अंधकार को मैं कैसे निकालूं? एक रूम है उसमें इंटेंस डार्कनेस है, अनादि का डार्कनेस है। मैंने आपको एक बकेट दे दी, देखो ये बकेट में आप अंधकार को भर के बाहर फेंकते चलो और अंधकार को कंप्लीट निकाल दो। कैसे हो, क्या करेगा तू? कैसे निकालेगा अंधकार को? अंधकार 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 अंधकार, चारों तरफ अंधकार ही है। उनको निकालने के लिए तुझे एक समय ज्ञान प्रकाश तू कर। तू दिया असली जला, लाइट की स्विच ऑन कर और अनादि का अंधकार एक समय में भाग जाएगा। अनादि का मिथ्यात्व तेरा सम्यक रूपी ज्ञान से भाग जाएगा। तो तू मुझे अपने आत्मा की पहचान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन कैसे करना, उसकी तरफ जब ध्यान दौड़ेगा तो ऑटोमेटिक तेरा मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश होगा। तो ये मेरे पास लिमिटेड टाइम है और अनलिमिटेड वस्तु करना है। जंगल में लाइन सर्व एकदम लाइन में ट्रीज है और वहां आग लगी है, मैं अकेला हूं, आग बढ़ती जाती है, किस तरह से मैं आग को काबू में कंट्रोल में ले लूं? तो शास्त्र ने बताया पहले 10-15 ट्री को छोड़ दे तू, बाकी के ट्रीज को तू कट कर दे, बाकी के 10-15 ट्री को तू कट कर दे। तो ये अग्नि यहां से आते 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 यहां आई, यहां पर कोई ट्री नहीं है, बैरन फील्ड हो गया है, तो अग्नि अपने आप शांत हो जाएगी। तूने अग्नि तरफ दृष्टि नहीं करी,
तूने दूसरी दृष्टि तुझे बदल डाली, तेरा कार्य हो गया। अज्ञान रूपी मिथ्यात्व को दूर करना है, ज्ञान रूपी प्रकाश करना पड़ेगा। जब तक ये मैं और तुम नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। भव चक्र का भ्रमण चालू रहेगा और ये मानव जीवन का अंत आ जाएगा। अरे धिक्कार है ऐसे मानव जीवन का कि मैंने कुछ प्रयत्न नहीं किया। तो प्रयत्न करता रे, आचार्य भगवान बोलते हैं, तू प्रयत्न कर, प्रयत्न कर, तेरे साथ अच्छा ही होने वाला है। मगर प्रयत्न नहीं करना है और मुझे सम्यक दर्शन ले लेना है, ऐसा नहीं चलेगा। महावीर को सिंह के भाव में सम्यक दर्शन हुआ था, उसको कुछ मालूम भी नहीं था। वो उसने नौ तत्व छह द्रव्य का और ये आत्मसिद्धि के क्लासेस अटेंड नहीं किए थे। भाव भाषण हो गया कि मैं आत्मा हूं, शरीर से अलग हूं, कार्य हो गया। ये महावीर की स्टोरी सुन के मुझे भी ऐसा लगा, चलो सिंह को तो कुछ मालूम नहीं था, पढ़ा नहीं था, तो भी सम्यक दर्शन हो गया, तो हमको भी हो जाएगा। तेरा ऐसा नहीं होने वाला है। वो सिंह के भाव के पहले अनंत भाव के उसकी उसकी साधना चालू थी, तब सिंह के भाव में सम्यक दर्शन हुआ। तुझे भी करना है तो तुझे प्रयत्न आज से चालू करना पड़ेगा। आज से प्रयत्न चालू करेगा, ये जीवन में तुझे सम्यक दर्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो तेरे साथ में धारणा ज्ञान आएगा और संगनी पंचेंद्रिय जीव तुझे जन्म मिलेगा और तेरी साधना चालू रहेगी। नेक्स्ट लाइफ में तुझे सम्यक दर्शन मिलेगा ही, यहाँ नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में मिलना वाला ही है। बस इतना तू तय कर ले, दृढ़ता कर ले। मिथ्यात्व के त्याग के बाद स्वरूप स्थिरता से क्रमशः राग का त्याग के बाद मुक्ति होती है। मिथ्यात्व का जो त्याग हो गया तो बाकी का जो राग अभी बचा है, भूमिका अनुसार राग है, वो तो इतना कम है, वो अपने आप निकल जाएगा। पुरुषार्थ करना पड़ेगा मगर निकल जाएगा। मुक्ति तेरी जरूर होगी, जरूर होगी, इस तरह से आचार्य ने हमको बताया है। तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं, कोई प्रश्न होता है तो लेते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हो और प्रश्न पूछ सकते हो। यस, ओके। किरीट भाई, जय भगवान। बाह्य त्याग अने बाह्य परिग्रह त्याग, ए बेमा फरक छू? सेम थिंग। बाह्य परिग्रह, क्योंकि बाह्य परिग्रह के अंदर जो दस वस्तु बताई ना, दस वस्तु में मेनली तो क्या है कि घर, पैसा, सोना, चांदी, नौकर, पशु, खेत, ये सब जो है वो बाह्य त्याग में आ जाएगा। और अंतरंग परिग्रह में, अंतरंग त्याग में क्रोध, मान, माया, लोभ, नौ कषाय और मिथ्यात्व, ऐसे 14 कषाय आ जाएंगे, 14 अंतरंग परिग्रह आ जाएंगे। तो उनके प्रति ध्यान रखना है कि मैंने बाहर का त्याग कर दिया कि चलो अभी मैं गहने नहीं पहने वाला हूँ, मगर उसमें से अंदर में मेरे में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं, वो मुझे अपनी ओर से सोचने का है। थैंक यू। चलते यहाँ पर विराम लेते हैं। जी स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखदाम, जेने आप्यो बाननी सदा प्रणाम। देह चता जेनी दशा वर्ते देहाती, आ प्रभु जी न चरण मा हो वंदन अगणी।
आज्ञानी न चरण माहो वंदन अगणी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।